द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं जयशंकर प्रसाद की लिखी कहानी दासी। ये खेल किसको दिखा रहे हो बलराज? कहते हुए फिरोजा ने युवक की कलाई पकड़ ली। युवक की मुट्ठी में एक भयानक छुरा चमक रहा था। उसने झुंझलाकर फिरोजा की तरफ देखा। वे खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिरोजा युवती से अधिक बालिका थी। अल्लड़पन, चंचलता और हंसी से बनी हुई वह तुर्क बाला सब हृदयों के स्नेह के समीप थी। नीली नसों से जकड़ी हुई बलराज की पुष्ट कलाई उन कोमल उंगलियों के बीच में स्थिल हो गई। उसने कहा, फिरोजा, तुम मेरे सुख में बाधा दे रही हो। सुख जीने में है बलराज। ऐसी हरी भरी दुनिया, फूल बेलों से सजे हुए नदियों के सुंदर किनारे, सुनहला सवेरा, चांदी की रातें, इन सबों से मुंह मोड़कर आंखें बंद कर लेना, कभी नहीं। सबसे बढ़कर तो इसमें हम लोगों की उछल कूद का तमाशा है। मैं तुम्हें ना मरने दूंगी। क्यों? यूं ही बेकार मर जाना? वाह, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जीहून के किनारे तुर्कों से लड़ते हुए मर जाना दूसरी बात थी। तब मैं तुम्हारी कब्र बनवाती, उस पर फूल चढ़ाती, पर इस गजनी नदी के किनारे अपना छुरा अपने कलेजे में भोंक कर मर जाना बचपना भी तो नहीं है। बलराज ने देखा सुल्तान मसूद के शिल्पकला प्रेम की गंभीर प्रतिज्ञा। गजनी नदी पर एक कमानी वाला पुल अपनी उदास छाया जलधारा पर डाल रहा है। उसने कहा, वही तो, ना जाने क्यों मैं उसी दिन नहीं मरा जिस दिन मेरे इतने वीर साथी कटार से लिपटकर इसी गजनी की गोद में सोने चले गए। फिरोजा, उन वीर आत्माओं का वे शोचनीय अंत तुम उस अपमान को नहीं समझ सकती हो। सुल्तान ने सिलजुकों से हारे हुए तुर्क और हिंदू दोनों को ही नौकरी से अलग कर दिया, पर तुर्कों ने तो मरने की बात नहीं सोची। कुछ भी हो फिरोजा, तुर्क सुल्तान के अपने लोगों में हैं और हिंदू बेगाने ही हैं। फिरोजा, यह अपमान मरने से बढ़कर है। और आज किस लिए मरने जा रहे थे? वह सुनकर क्या करोगी, कहकर बलराज छुरा फेंक कर एक लंबी सांस लेकर चुप हो रहा। फिरोजा ने उसका कंधा पकड़कर हिलाते हुए कहा, सुनूंगी क्यों नहीं? अपनी? हाँ, उसी के लिए। कौन है वह? कैसी है बलराज? गोरी सी है, मेरी तरह वह भी पतली दुबली है ना? कानों में कुछ पहनती है और गले में? कुछ नहीं फिरोजा, मेरी ही तरह वह भी कंगाल है। मैंने उससे कहा था कि लड़ाई पर जाऊंगा और सुल्तान की लूट में मुझे भी चांदी सोने की ढेरी मिलेगी। जब अमीर हो जाऊंगा तब आकर तुमसे ब्याह करूंगा। तब भी मरने जा रहे थे? खाली ही लौटकर भेंट करने की, उसे एक बार देख लेने की तुम्हारी इच्छा ना हुई? तुम बड़े पाजी हो, जाओ मरो या जियो, मैं तुमसे ना बोलूंगी। सचमुच फिरोजा ने मुंह फेर लिया। वह जैसे रूठ गई थी। बलराज को उसके इस भोलेपन पर हसीना आ सकी। वह सोचने लगा, फिरोजा के हृदय में कितना स्नेह है, कितना उल्लास है। उसने पूछा, फिरोजा, तुम भी तो लड़ाई में पकड़ी गई, गुलामी भुगत रही हो, क्या तुमने कभी अपने जीवन पर विचार किया है? किस बात का उल्लास है तुम्हें? मैं अब गुलामी में नहीं रह सकूंगी। अहमद जब हिंदुस्तान जाने लगा था तभी उसने राजा साहब से कहा था कि मैं 1000 सोने के सिक्के भेजूंगा। भाई तिलक, तुम उसे लेकर फिरोजा को छोड़ देना और वे हिंदुस्तान आना चाहे तो उसे भेज देना। अब वे थैली आती ही होगी, मैं छुटकारा पा जाऊंगी। और गुलाम ही रहने पर रोने की कौन सी बात है? मर जाने की इतनी जल्दी क्यों? तुम देख नहीं रहे हो कि तुर्कों में एक नई लहर आई है। दुनिया ने उसके लिए जैसे छाती खोल दी है। जो आज गुलाम है वही कल सुल्तान हो सकता है, फिर रोना किस बात का? जितनी देर हंस सकती हूँ उस समय को रोने में क्यों बिताऊं? तुम्हारा सुख में जीवन और भी लंबा हो फिरोजा, किंतु आज तुमने जो मुझे मरने से रोक दिया यह अच्छा नहीं किया। कहती तो हूँ बेकार ना मरो, क्या तुम्हारे मरने के लिए कोई? कुछ भी नहीं फिरोजा, हमारी धार्मिक भावनाएं बटी हुई हैं।
सामाजिक जीवन दंभ से और राजनीतिक क्षेत्र कलह और स्वार्थ से जकड़ा हुआ है। शक्तियां हैं पर उनका कोई केंद्र नहीं। किस पर अभिमान हो, किसके लिए प्राण दूं? थथ, चले जाओ हिंदुस्तान में मरने के लिए। कुछ खोजो, मिल ही जाएगा। जाओ ना, कहीं वह तुम्हारी मिल जाए तो किसी झोपड़ी में ही काट लेना। ना सही अमीरी, किसी तरह तो कटेगी। जितने दिन जीने के हों उन पर भरोसा रखना। बलराज, ना जाने क्यों मैं तुम्हें मरने देना नहीं चाहती। वे तुम्हारी राह देखती हुई कहीं जा रही हो, तब कभी उसे देख पाती तो उसका मुंह चूम लेती। कितना प्यार होगा उसके छोटे से हृदय में। लो ये 5 दिरहम मुझे कल राजा साहब ने इनाम में दिए थे, इन्हें लेते जाओ। देखो उससे जाकर भेंट करना। फिरोजा की आंखों में आंसू भरे थे, तब भी वे जैसे हंस रही थी। सहसा वे 5 धातु के टुकड़ों को बलराज के हाथ पर रखकर झाड़ियों में घुस गई। बलराज चुपचाप अपने हाथ पर के उन चमकीले टुकड़ों को देख रहा था। हाथ कुछ झुक रहा था, धीरे धीरे टुकड़े उसके हाथ से खिसक पड़े। वह बैठ गया। सामने एक पुरुष खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। बलराज, राजा साहब, जैसे आंख खोलते हुए बलराज ने कहा और उठकर खड़ा हो गया। मैं सब सुन रहा था, तुम हिंदुस्तान चले जाओ, मैं भी तुमको यही सलाह दूंगा। किंतु एक बात है। वह क्या राजा साहब? मैं तुम्हारे दुख का अनुभव कर रहा हूँ। जो बातें तुमने अभी फिरोजा से कही है उन्हें सुनकर मेरा हृदय विचलित हो उठा है। किंतु क्या करूँ, मैंने आकांक्षा का नशा पी लिया है, वही मुझे बेबस किए है। जिस दुख से मनुष्य छाती फाड़कर चिल्लाने लगता हो, सिर पीटने लगता हो, वैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मैं केवल सिर नीचा कर चुप रहना अच्छा समझता हूँ। क्या ही अच्छा होता कि जिस सुख में आनंदातिरेक से मनुष्य उन्मत्त हो जाता है, उसे भी मुस्कुराकर टाल दिया करूं। जो नहीं होता, एक साधारण स्थिति से मैं सुल्तान के सलाहकारों के पद तक तो पहुंच गया हूं। मैं भी हिंदुस्तान का ही एक कंगाल था। प्रतिदिन की मर्यादा वृद्धि, राजकीय विश्वास और उसमें सुख की अनुभूति ने मेरे जीवन को पहेली बनाकर, खैर जाने दो। मैंने सुल्तान के दरबार से जितना सीखा है वही मेरे लिए बहुत है। एक बनावटी गंभीरता, छलपूर्ण विनय, कितना भीषण है यह विचार। मैं धीरे धीरे इतना बन गया हूँ कि मेरी सहृदयता घूंघट उलटने नहीं पाती। लोगों को मेरी छाती में हृदय होने का संदेह हो चला है, फिर मैं तुमसे अपनी सहृदयता क्यों प्रकट करूं? तब भी आज तुमने मेरे स्वभाव की धारा का बांध तोड़ दिया है। आज मैं बस राजा साहब, और कुछ ना कहिए, मैं जाता हूँ। मैं समझ गया कि, ठहरो, मुझे अधिक अवकाश नहीं है। कल यहाँ से कुछ विद्रोही गुलाम अहमद नियालतगीन के पास लाहौर जाने वाले हैं, उन्हीं के साथ तुम चले जाओ। यह लो, कहते हुए सुल्तान के विश्वासी राजा तिलक ने बलराज के हाथों में थैली रख दी। बलराज वहां से चुपचाप चल पड़ा। तिलक सुल्तान महमूद का अत्यंत विश्वासपात्र हिंदू कर्मचारी था। अपनी बुद्धि बल से कट्टर यवनों के बीच में अपनी प्रतिष्ठा दृढ़ रखने के कारण सुल्तान मसऊद के शासनकाल में भी वह उपेक्षा का पात्र नहीं था। फिर भी वह अपने को हिंदू ही समझता था, चाहे अन्य लोग उसे कुछ समझते रहे हों। बलराज की बातें वे सुन चुका था। आज उसकी मनोवृत्तियों में भयानक हलचल थी। सहसा उसने पुकारा, फिरोजा, फिरोजा। झाड़ियों से निकलकर फिरोजा ने उसके सामने सिर झुका दिया। तिलक ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कोमल स्वर में पूछा, फिरोजा, तुम अहमद के पास हिंदुस्तान जाना चाहती हो? फिरोजा के हृदय में कंपन होने लगा, वह कुछ ना बोली। तिलक ने कहा, डरो मत, साफ साफ कहो, क्या अहमद ने आपके पास दिनारे भेज दी हैं? कहकर फिरोजा ने अपनी उत्कंठा भरी आंखें उठाई। तिलक ने हंसकर कहा, सो तो उसने नहीं भेजी। तब भी तुम जाना चाहती हो तो मुझसे कहो।
मैं क्या कह सकती हूँ, जैसी मेरी। कहते कहते उसकी आंखों से आंसू छल छल उठे। तिलक ने कहा, फिरोजा तुम जा सकती हो, कुछ सोने के टुकड़ों के लिए मैं तुम्हारा हृदय नहीं कुचलना चाहता। सच? आश्चर्य भरी कृतज्ञता उसकी वाणी में थी। सच फिरोजा, अहमद मेरा मित्र है, और भी एक काम के लिए तुमको भेज रहा हूँ। उसे जाकर समझाओ कि वे अपनी सेना लेकर पंजाब के बाहर इधर उधर हिंदुस्तान में लूटपाट ना किया करे। मैं कुछ दिनों में सुल्तान से कहकर खजाने और मालगुजारी का अधिकार भी उसी को दिला दूंगा। थोड़ा समझकर धीरे धीरे काम करने से सब हो जाएगा, समझी ना। दरबार में इस पर गर्मा गर्मी है कि अहमद की नीयत खराब है, कहीं ऐसा ना हो कि मुझी को सुल्तान इस काम के लिए भेजे। फिरोजा मैं हिंदुस्तान नहीं जाना चाहता, मेरी एक छोटी बहन थी, वह वहां है। क्या दुख उसने पाया, मरी या जीती है, इन कई बरसों से मैंने इसे जानने की चेष्टा भी नहीं की। और भी मैं हिंदू हूँ फिरोजा, आज तक अपनी आकांक्षा में भूला हुआ, अपने आराम में मस्त, अपनी उन्नति में विस्मृत, गजनी में बैठा हिंदुस्तान को, अपनी जन्मभूमि को और उसके दुख दर्द को भूल गया हूँ। सुल्तान महमूद के लूटों की गिनती करना, उस रक्त रंजित धन की तालिका बनाना, हिंदुस्तान के ही शोषण के लिए सुल्तान को नई नई तरकीबें बताना, यही तो मेरा काम था जिससे आज मेरी इतनी प्रतिष्ठा है। दूर रहकर मैं सब कुछ कर सकता था, पर हिंदुस्तान, हिंदुस्तान तो कहीं मुझे जाना पड़ा, उसकी गोद में फिर रहना पड़ा, तो मैं क्या करूँगा फिरोजा। मैं वहाँ जाकर पागल हो जाऊँगा, मैं चिर निर्वासित विस्मृत अपराधी। हीरावती मेरी बहन, मैं उसे क्या मुंह दिखलाऊंगा, वे कितने कष्टों में जीती होगी, और मर गई हो तो। फिरोजा अहमद से कहना, मेरी मित्रता के नाते मुझे इस दुख से बचा ले। मैं जाऊंगी और ईरावती को खोज निकालूंगी राजा साहब, आपके हृदय में इतनी टीस है आज तक मैं ना जानती थी। मुझे यही मालूम था कि अनेक अन्य तुर्क सरदारों के समान आप भी रंगरलियों में समय बिता रहे हैं, किंतु बर्फ से ढकी हुई चोटियों के नीचे भी ज्वालामुखी होता है। तो जाओ फिरोजा, मुझे बचाने के लिए उस भयानक आग से जिससे मेरा हृदय जल उठता है, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। कहते हुए राजा तिलक उसी जगह बैठ गए, फिरोजा खड़ी थी। धीरे धीरे राजा के मुख पर एक संदिग्धता आ चली। अब अंधकार हो चला, गजनी की लहरों पर से शीतल पवन उन झाड़ियों में भरने लगी थी। सामने ही राजा साहब का महल था, उसका शुभ्र गुंबद उस अंधकार में अभी अपनी उज्जवलता से सिर ऊंचा किए था। तिलक ने कहा, फिरोजा जाने के पहले अपना वे गाना सुनाती जाओ। फिरोजा गाने लगी, उसके गीत की ध्वनि थी, मैं जलती हुई दीप शिखा हूँ, तुम हृदय रंजन प्रभात हो, जब तक देखती नहीं चला करती हूँ, और जब तुम्हें देख लेती हूँ तभी मेरे अस्तित्व का अंत हो जाता है, अंत हो जाता है मेरे प्रियतम। संध्या की अंधेरी झाड़ियों में गीत की गुंजार घूमने लगी। यदि एक बार उसे फिर देख पाता, पर यह होने का नहीं, निष्ठुर नियति, उसकी पवित्रता पंकिल हो गई होगी, उसकी उज्जवलता पर संसार के काले हाथों ने अपनी छाप लगा दी होगी। तब उससे भेंट करके क्या करूँगा, क्या करूँगा, अपने कल्पना के स्वर्ण मंदिर का खंडर देखकर। कहते कहते बलराज ने अपने बलिष्ठ पंजों को पत्थरों से जकड़े हुए मंदिर के प्राचीर पर दे मारा, वे शब्द एक क्षण में विलीन हो गया। युवक ने आरक्त आंखों से उस विशाल मंदिर को देखा और वे पागल सा उठ खड़ा हुआ, परिक्रमा के ऊंचे ऊंचे खंभों से धक्का खाता हुआ घूमने लगा। गर्भगृह के द्वारपालों पर उसकी दृष्टि पड़ी, वे तेल से चुपड़े वे काले काले दूत अपने भीषण त्रिशूल से जैसे युवक की ओर संकेत कर रहे थे, वह ठिटक गया। सामने देवगृह के समीप घृत का अखंड दीप जल रहा था, केशर कस्तूरी और अगरू से मिश्रित फूलों की दिव्य सुगंध की झकोर रह रहकर भीतर से आ रही थी।
विद्रोही हृदय प्रणत होना नहीं चाहता था, परंतु सिर सम्मान से झुक ही गया। देव, मैंने अपने जीवन में जानबूझकर कोई पाप नहीं किया है, मैं किसके लिए क्षमा मांगूं? गजनी के सुल्तान की नौकरी वे मेरे वश की नहीं, किंतु मैं मांगता हूं एक बार उस अपनी प्रेम प्रतिमा का दर्शन। कृपा करो, मुझे बचा लो। प्रार्थना करके युवक ने सिर उठाया ही था कि उसे किसी को अपने पास से खिसकने का संदेह हुआ। वह घूमकर देखने लगा। एक स्त्री कोसिए वसन पहने हाथ में फूलों से सजी डाली लिए चली जा रही थी। युवक पीछे पीछे चला। परिक्रमा में एक स्थान पर पहुंचकर उसने संदिग्ध स्वर से पुकारा, ईरावती। वह स्त्री घूमकर खड़ी हो गई। बलराज अपने दोनों हाथ पसार कर उसे आलिंगन करने के लिए दौड़ा। ईरावती ने कहा, ठहरो। बलराज ठिठक कर उसकी गंभीर मुखाकृति को देखने लगा। उसने पूछा, क्यों ईरा, क्या तुम मेरी वागदत्ता पत्नी नहीं हो? क्या हम लोगों का वहीन वेदी के सामने परिणय नहीं होने वाला था? क्या? हाँ, हाँ होने वाला था, किंतु हुआ नहीं। और बलराज, तुम मेरी रक्षा नहीं कर सके। मैं आतताई के हाथ से कलंकित की गई, फिर तुम मुझे पत्नी रूप में कैसे ग्रहण करोगे? तुम वीर हो, पुरुष हो, तुम्हारे पुरुषार्थ के लिए बहुत सी महत्वाकांक्षाएं हैं, उन्हें खोज लो, मुझे भगवान की शरण में छोड़ दो। मेरा जीवन अनुताप की ज्वाला से झुलसा हुआ है, मेरा मन अब स्नेह के योग्य नहीं। प्रेम की, पवित्रता की परिभाषा अलग है ईरा। मैं तुमको प्यार करता हूँ, तुम्हारी पवित्रता से मेरे मन का अधिक संबंध नहीं भी हो सकता है। चलो चलो, हम और कुछ भी हो, मेरे प्रेम की अग्नि तुम्हारी पवित्रता को अधिक उज्जवल कर देगी। भाग चलूं? क्यों, सो नहीं हो सकता, मैं कृत दासी हूँ। मलेच्छों ने मुझे मुल्तान की लूट में पकड़ा है, मैं उनकी कठोरता में जीवित रहकर बराबर उनका विरोध ही करती रही। नित्य कोड़े लगते, बांधकर मैं लटकाई जाती, फिर भी मैं अपने हरसे न डिगी। एक दिन कन्नौज के चतुष्पथ पर घोड़ों के साथ ही बेचने के लिए उन अताताइयों ने मुझे भी खड़ा किया। मैं बिकी 500 दिरम पर। काशी के ही एक महाजन ने मुझे दासी बना लिया। बलराज, तुमने ना सुना होगा कि मैं किन नियमों के साथ बिकी हूँ। मैंने लिखकर स्वीकार किया है, इस घर कुत्सित से भी कुत्सित कर्म करूँगी और कभी विद्रोह ना करूँगी, ना कभी भागने की चेष्टा करूँगी, ना किसी के कहने से अपने स्वामी का अहित सोचूंगी। यदि मैं आत्महत्या भी कर डालूँ तो मेरे स्वामी या उनके कुटुंब पर कोई दोष ना लगा सकेगा। वे गंगा स्नान किए से पवित्र हैं, मेरे संबंध में वे सदा ही शुद्ध और निष्पाप हैं, मेरे शरीर पर उनका आजीवन अधिकार रहेगा। वे मेरे नियम विरुद्ध आचरण पर जब चाहें राजपद पर मेरे बालों को पकड़कर मुझे घसीट सकते हैं, मुझे दंड दे सकते हैं। मैं तो मर चुकी हूँ, मेरा शरीर 500 दिरम पर जीकर जब तक सहेगा खटेगा। वे चाहें तो मुझे कोड़ी के मोल भी किसी दूसरे के हाथ बेच सकते हैं, समझे? सिर पर तृण रखकर मैंने स्वयं अपने को बेचने में स्वीकृति दी है, उस सत्य को कैसे तोड़ दूं? बलराज ने लाल होकर कहा, ईरावती, यह असत्य है, सत्य नहीं। पशुओं के समान मनुष्य भी बिक सकते हैं, मैं ये सोच भी नहीं सकता। यह पाखंड तुर्की घोड़ों के व्यापारियों ने फैलाया है। तुमने अनजान में जो प्रतिज्ञा कर ली है वह ऐसा सत्य नहीं कि पालन किया जाए। तुम नहीं जानती हो कि तुमको खोजने के लिए ही मैंने यवनों की सेवा की। क्षमा करो बलराज, मैं तुम्हारा तर्क नहीं समझ सकी। मेरी स्वामिनी का रथ दूर चला गया होगा,
तो मुझे बातें सुननी पड़ेंगी, क्योंकि आजकल मेरे स्वामी नगर से दूर स्वास्थ्य के लिए उपवन में रहते हैं। स्वामिनी देव दर्शन के लिए आई थी, तब मेरा इतना परिश्रम व्यर्थ हुआ। फिरोजा ने व्यर्थ ही आशा दी थी। मैं इतने दिनों भटकता फिरा इरावती, इरावती मुझ पर दया करो। फिरोजा कौन? फिर सहसा रुक कर इरावती ने कहा। क्या करूं? यदि वे वैसा करती तो मुझे इस जीवन की सबसे बड़ी प्रसन्नता मिलती, किंतु वे मेरे भाग्य में है कि नहीं इसे भगवान ही जानते होंगे। मुझे अब जाने दो बलराज। बलराज इस उत्तर से खिन और चकराया हुआ काट के किवाड़ की तरह इरावती के सामने से अलग होकर मंदिर के प्राचीर से लग गया। इरावती चली गई। बलराज कुछ समय तक स्तब्ध और शून्य सा वहीं खड़ा रहा, फिर सहसा जिस ओर इरावती गई थी उसी ओर चल पड़ा। युवक बलराज कई दिन तक पागलों सा धनदत्त के उपवन से नगर तक चक्कर लगाता रहा। भूख प्यास भूलकर वे इरावती को एक बार फिर देखने के लिए विकल था, किंतु वह सफल ना हो सका। आज उसने निश्चय किया था कि वे काशी छोड़कर चला जाएगा। वे जीवन से हताश होकर काशी से प्रतिष्ठान जाने वाले पद पर चलने लगा। उसकी पहाड़ के ढोके सी काया, जिसमें असुर सा बल होने का लोग अनुमान करते, निर्जीव सी हो रही थी। अनाहार से उसका मुख विवर्ण था। यह सोच रहा था, उस दिन विश्वनाथ के मंदिर में ना जाकर मैंने आत्महत्या क्यों ना कर ली। वह अपनी उधेड़ बुन में चल रहा था, न जाने कब तक चलता रहा। वह चौंक उठा जब किसी के डांटने का शब्द सुनाई पड़ा। देखकर नहीं चलता? बलराज ने चौंक कर देखा। अश्वारोहियों की लंबी पंक्ति, जिसमें अधिकतर अपने घोड़ों को पकड़े हुए पैदल ही चल रहे थे, वे सब तुर्क थे, घोड़ों के व्यापारी से जान पड़ते थे। गजनी के प्रसिद्ध महमूद के आक्रमणों का अंत हो चुका था। मसूद सिंहासन पर था। पंजाब तो गजनी के सेनापति नियालत गीन के शासन में था। मध्य प्रदेश में भी तुर्क व्यापारी, अधिकतर व्यापारी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। वह राह छोड़कर हट गया। अश्वारोही ने पूछा, बनारस कितनी दूर होगा? बलराज ने कहा, मुझे नहीं मालूम। तुम अभी उधर से चले आ रहे हो और कहते हो नहीं मालूम? ठीक ठीक बताओ, नहीं तो? नहीं तो क्या, मैं तुम्हारा नौकर हूँ, कहकर वे आगे बढ़ने लगा। अकस्मात पहले अश्वारोही ने कहा, पकड़ लो इसको। कौन? नियालत गीन, सहसा बलराज चिल्ला उठा। अच्छा, ये तुम ही हो बलराज, ये तुम्हारा क्या हाल है? क्या सुल्तान की सरकार में अब तुम काम नहीं करते हो? नहीं, सुल्तान मसूद का मुझ पर विश्वास नहीं है। मैं ऐसा काम नहीं करता जिसमें संदेह मेरी परीक्षा लेता रहे। किंतु इधर तुम लोग क्यों? सुना है बनारस एक सुंदर और धनी नगर है। और क्या? कुछ नहीं, देखने चला आया हूँ। काजी नहीं चाहता कि कन्नौज के पूरब भी कुछ हाथ पांव बढ़ाया जाए। तुम चलो ना मेरे साथ, मैं तुम्हारी तलवार की कीमत जानता हूँ। बहादुर लोग इस तरह नहीं रह सकते। तुम अभी तक हिंदू बने हो, पुरानी लकीर पीटने वाले, जगह जगह छुकने वाले, सबसे दबते हुए बनते हुए कतराकर चलने वाले हिंदू। क्यों? तुम्हारे पास बहुत सा कूड़ा कचरा इकट्ठा हो गया है, उनका पुरानेपन का लोभ तुमको फेंकने नहीं देता। मन में नयापन तथा दुनिया का उल्लास नहीं आने पाता। इतने दिन हम लोगों के साथ रहे, फिर भी। बलराज सोच रहा था, इरावती का वह सूखा व्यवहार, सीधा सीधा उत्तर, क्रोध से वे अपना होठ चबाने लगा। नियालत गीन बलराज को परख रहा था। उसने कहा, तुम कहाँ हो? बात क्या है? ऐसा बुझा हुआ मन क्यों? बलराज ने कहा, कहीं तो नहीं? अब मुझे छुट्टी दो, मैं जाऊं। तुम्हारा बनारस देखने का मन है, इस पर तो मुझे विश्वास नहीं होता। तो भी मुझे इससे क्या, जो चाहो करो। संसार भर में किसी पर दया करने की आवश्यकता नहीं। लूटो, काटो, मारो, जाओ नियालतगीन। नियालतगीन ने हंसकर कहा, पागल तो नहीं हो?
इन थोड़े से आदमियों से भला क्या हो सकता है। मैं तो एक बहाने से इधर आया हूँ, फिरोजा का बनारसी जरी के कपड़ों का। क्या फिरोजा भी तुम्हारे साथ है? चलो पड़ाव पर सब आप ही मालूम हो जाएगा, कहकर नियालतगिन ने संकेत किया। बलराज के मन में ना जाने कैसी प्रसन्नता उमड़ी। वे एक तुर्की घोड़े पर सवार हो गया। दोनों ओर चवारात, जरी कपड़ों, बर्तन तथा सुगंधित द्रव्यों की सजी हुई दुकानों से देश विदेश के व्यापारियों की भीड़ और बीच बीच में घोड़े के रथों से बनारस की पत्थर से बनी हुई चौड़ी गलियां अपने ढंग की निराली दिखती थी। प्राचीरों से घिरा हुआ नगर का प्रधान भाग त्रिलोचन से लेकर राजघाट तक विस्तृत था। तोरणों पर गांगे देव के सैनिकों का जमाव था। कन्नौज के प्रतिहार सम्राट से काशी छीन ली गई थी, त्रिपुरी उस पर शासन करती थी। ध्यान से देखने पर यह तो प्रकट हो जाता था कि नागरिकों में अव्यवस्था थी, फिर भी ऊपरी कामकाज, क्रय विक्रय, यात्रियों का आवागमन चल रहा था। फिरोजा कम ख्वाब देख रही थी और नियालतगिन मणि मुक्ताओं की ढेरी से अपने लिए अच्छे अच्छे नग चुन रहा था। पास ही दोनों दुकानें थी, बलराज बीच में खड़ा था। अन्य मनसक फिरोजा ने कई थान छाट लिए थे। उसने कहा, बलराज देखो तो इन्हें, तुम कैसा समझते हो, है ना अच्छे? उधर से नियालतगिन ने पूछा, कपड़े देख चुकी हो तो इधर आओ, इन्हें भी देख लो ना। फिरोजा उधर जाने लगी थी कि दुकानदार ने कहा, लेना ना देना, छूट मूट तंग करना, कभी देखा तो है नहीं, कंगालों की तरह जैसे आंखों से देखकर ही खा जाएगी। फिरोजा घूमकर खड़ी हो गई। उसने पूछा, क्या पकते हो? जाजा तुर्किस्तान के जंगलों में भेड़ चरा, इन कपड़ों का लेना तेरा काम नहीं। सटी हुई दुकानों से जौहरी अभी कुछ बोलना ही चाहता था कि बलराज ने कहा, चुप रह, नहीं तो जीभ खींच लूंगा। ओहो, तुर्की गुलाम का दास तू भी? अभी इतना ही कपड़े वाले के मुंह से निकला था कि नियालतगिन की तलवार उसके गले तक पहुंच गई। बाजार में हलचल मची, नियालतगिन के साथी इधर उधर बिखरे ही थे। कुछ तो वहीं आ गए, औरों को समाचार मिल गया, झगड़ा बढ़ने लगा। नियालतगिन को कुछ लोगों ने घेर लिया था, किंतु तुर्कों ने उसे छीन लेना चाहा। राज के सैनिक पहुंच गए। नियालतगिन को यह मालूम हो गया कि पड़ाव पर समाचार पहुंच गया है। उसने निर्भीकता से अपनी तलवार घुमाते हुए कहा, अच्छा होता कि झगड़ा यहीं तक रहता, नहीं तो हम लोग तुर्क के हैं। तुर्कों का आतंक उत्तरी भारत में फैल चुका था। क्षण भर के लिए सन्नाटा तो हुआ, परंतु वणिक के प्रतिरोध के लिए नागरिकों का रोष उबल रहा था। राज के सैनिकों का सहयोग मिलते ही युद्ध आरंभ हो गया। अब और भी तुर्क आ पहुंचे थे। नियालतगिन हंसने लगा। उसने तुर्की में संकेत किया। बनारस का राजपथ तुर्कों की तलवार से पहली बार आलोकित हो उठा। नियालतगिन के साथी संगठित हो गए थे। वे केवल युद्ध और आत्मरक्षा ही नहीं कर रहे थे, बहुमूल्य पदार्थों की लूट भी करने लगे। बलराज स्तब्ध था, वे जैसे एक स्वप्न देख रहा था। अकस्मात उसके कानों में एक परिचित स्वर सुनाई पड़ा। उसने घूमकर देखा, जोरी के गले पर तलवार पड़ा ही जाती थी और ईरावती, इन्हें छोड़ दो, ना मारो, कहती हुई तलवार के सामने आ गई थी। बलराज ने कहा, ठहरो नियालतगिन। दूसरे ही क्षण नियालतगिन की कलाई बलराज की मुट्ठी में थी। नियालतगिन ने कहा, धोखेबाज काफिर, यह क्या? कई तुर्क पास आ गए थे। फिरोजा का भी मुख तमतमा गया। बलराज ने सबल होने पर भी बड़ी दीनता से कहा, फिरोजा यही ईरावती है। फिरोजा हंसने लगी। ईरावती को पकड़कर उसने कहा, नियालतगिन, बलराज को इसके साथ लेकर मैं चलती हूँ, तुम आना, और इस जोहरी से तुम्हारा नुकसान ना हो तो ना मारो। देखो बहुत से घुड़सवार आ रहे हैं, हम सबों का चलना ही अच्छा है। नियालतगिन ने परिस्थिति एक क्षण में ही समझ ली। उसने जौहरी से पूछा, तुम्हारे घर में दूसरी ओर से बाहर जाया जा सकता है? हाँ,
कपे कंठ से उत्तर मिला। अच्छा चलो, तुम्हारी जान बच रही है, मैं इरावती को ले जाता हूँ। कहकर नियालतगिन ने एक तुर्की के कान में कुछ कहा और बलराज को आगे चलने का संकेत करके इरावती और फिरोजा के पीछे धनदत्त के घर में घुसा। इधर तुर्क एकत्र होकर प्रत्यावर्तन कर रहे थे। नगर की राजकीय सेना पास आ रही थी। चंद्रभागा के तट पर शिविरों की एक श्रेणी थी। उसके समीप ही घने वृक्षों के झुरमुट में इरावती और फिरोजा बैठी हुई सायंकालीन गंभीरता की छाया में एक दूसरे का मुख देख रही हैं। फिरोजा ने कहा, बलराज को तुम प्यार करती हो? मैं नहीं जानती, एक आकस्मिक उत्तर मिला। और वह तो तुम्हारे लिए गजनी से हिंदुस्तान चला आया, तो क्यों आने दिया? वहीं रोके रखती? तुमको क्या हो गया है? मैं नहीं रही, मैं हूं दासी, कुछ धातु के टुकड़ों पर बिकी हुई हाड़ मांस का समूह, जिसके भीतर एक सूखा हृदय पिंड है। ईरा, वे मर जाएगा, पागल हो जाएगा, और मैं क्या हो जाऊं फिरोजा? अच्छा होता तुम भी मर जाती, तीखेपन से फिरोजा ने कहा। इरावती चौंक उठी। उसने कहा, बलराज ने वह भी ना होने दिया, उस दिन नियालतगिन की तलवार ने यही कर दिया होता, किंतु मनुष्य बड़ा स्वार्थी है, अपने सुख की आशा में वे कितनों को दुखी बनाया करता है, अपनी साध पूरी करने में दूसरों की आवश्यकता ठुकरा दी जाती है। तुम ठीक कह रही हो फिरोजा, मुझे ठहरो ईरा, तुमने मन को कड़वा बनाकर मेरी बात सुनी है, उतनी ही तेजी से उसे बाहर कर देना चाहती हो। मेरे दुखी होने पर जो मेरे साथ रोने आता है, उसे मैं अपना मित्र नहीं जान सकती फिरोजा। मैं तो देखूंगी कि वह मेरे दुख को कितना कम कर सका है। मुझे दुख सहने के लिए जो छोड़ जाता है, केवल अपने अभिमान और आकांक्षा की तुष्टि के लिए, मेरे दुख में हाथ बटाने का जिसका साहस नहीं, जो मेरी परिस्थिति में साथी नहीं बन सकता, जो पहले अमीर बनना चाहता है, फिर अपने प्रेम का दान करना चाहता है, वे मुझसे हृदय मांगे, इससे बढ़कर धृष्टता और क्या होगी? मैं तुम्हारी बहुत सी बातें समझ नहीं सकी, लेकिन मैं इतना तो कहूंगी कि दुखों ने तुम्हारे जीवन की कोमलता छीन ली है। फिरोजा, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती, तुमने मेरे प्राण बचाए हैं सही, किंतु हृदय नहीं बचा सकी, उसे अपनी खोज खबर आप ही लेनी पड़ेगी। तुम चाहे तो मुझे कह लो, मैं तो समझती हूँ कि मनुष्य दूसरों की दृष्टि में कभी पूर्ण नहीं हो सकता, पर उसे अपनी आंखों से तो नहीं ही गिरना चाहिए। फिरोजा ने संधे से पीछे की ओर देखा, बलराज वृक्ष की आड़ से निकल आया। उसने कहा, फिरोजा, मैं जब गजनी के किनारे मरना चाहता था तो क्या भूल कर रहा था? अच्छा अच्छा, जाता हूँ। इरावती सोच रही थी, अब भी कुछ बोलूं? फिरोजा सोच रही थी, दोनों को मरने से बचाकर क्या सचमुच मैंने कोई बुरा काम किया? बलराज की ओर किसी ने ना देखा, वह चला गया। रावी के किनारे एक सुंदर महल में अहमद नियालतगिन पंजाब के सेनानी का आवास है। उस महल के चारों ओर वृक्षों की दूर तक फैली हुई हरियाली है, जिसमें शिविरों की श्रेणी में तुर्क सैनिकों का निवास है। वसंत की चांदनी रात अपनी मतवाली उज्ज्वलता में महल के मीनारों और गुंबदों तथा वृक्षों की छाया में लड़खड़ा रही है। अब जैसे सोना चाहती हो। चंद्रमा पश्चिम में धीरे धीरे झुक रहा था। रावी की ओर एक संगमरमर की दालान में खाली सेज बिछी थी। जरी के पर्दे ऊपर की ओर बंधे थे। दालान की सीढ़ी पर बैठी हुई इरावती रावी का प्रवाह देखते देखते सोने लगी थी। उस महल की जैसे सजावट गुलाबी पत्थर की अचल प्रतिमा हो। शयन कक्ष की सेवा का भार आज उसी पर था। वह अहमद के आगमन की प्रतीक्षा करते करते सो गई। अहमद इन दिनों गजनी से मिले हुए समाचार के कारण अधिक व्यस्त था। सुल्तान के रोष का समाचार उसे मिल चुका था। वे फिरोजा से छिपाकर
अपने अंतरंग साथियों से जिन पर उसे विश्वास था। निस्तब्ध रात्रि में मंत्रणा किया करता पंजाब का स्वतंत्र शासक बनने की अभिलाषा उसके मन में जग गई थी। फिरोजा ने उसे मना किया था, किंतु एक साधारण तुर्कदासी के विचार राज के कामों में कितने मूल्य के हैं, इसे वे अपनी महत्वाकांक्षा की दृष्टि से परखता था। फिरोजा कुछ तो रूठी थी और कुछ उसकी तबीयत भी अच्छी ना थी। वह बंद कमरे में जाकर सो रही, अनेक दासियों के रहते भी आज ईरावती को ही वहां ठहरने के लिए उसने कह दिया था। अहमद सीढ़ियों से चढ़कर दालान के पास आया, उसने देखा एक वेदना विमंडित सुप्त सौंदर्य। वह और भी समीप आया, गुंबद के बगल चंद्रमा की किरणें ठीक ईरावती के मुख पर पड़ रही थी। अहमद ने वारुणी विलसित नेत्रों से देखा उस रूप माधुरी को, जिसमें स्वाभाविकता थी, बनावट नहीं, तरावट थी, प्रमाद की गर्मी नहीं। एक बार सशंक दृष्टि से उसने चारों ओर देखा, फिर ईरावती का हाथ पकड़कर हिलाया। वे चौंक उठी, उसने देखा सामने अहमद। ईरावती खड़ी होकर अपने वस्त्र संभालने लगी। अहमद ने संकोच भरी ठिठाई से कहा, तुम यहाँ क्यों सो रही हो ईरा? थक गई थी, कहिए क्या लाऊं? थोड़ी शिराजी, कहते हुए वह पलंग पर जाकर बैठ गया और ईरावती का सफटिक पात्र में शिराजी उड़ेलना देखने लगा। ईरा ने जब पात्र भरकर अहमद को दिया तो अहमद ने सात तीक्ष्ण नेत्रों से उसकी ओर देखकर पूछा, फिरोजा कहाँ है? सिर में दर्द है, भीतर सो रही है। अहमद की आंखों में पशुता नाच उठी। शरीर में एक सनसनी का अनुभव करते हुए उसने ईरावती का हाथ पकड़ कहा, बैठो ना ईरा, तुम थक गई हो। आप शरबत लीजिए, मैं जाकर फिरोजा को जगा दूं। फिरोजा के हाथ में बिक गया हूं क्या ईरावती? तुम? ईरावती हाथ छुड़ाकर हटने वाली ही थी कि सामने फिरोजा खड़ी थी। उसकी आंखों में तीव्र ज्वाला थी। उसने कहा, मैं बिकी हूँ अहमद, तुम भला मेरे हाथ क्यों बिकने लगे? लेकिन तुमको मालूम है कि तुमने अभी राज तिलक को मेरा दाम नहीं चुकाया, इसलिए मैं जाती हूँ। अहमद हतबुद्धि निष्प्रभ, और फिरोजा चली। ईरावती ने गिड़गिड़ाकर कहा, बहन मुझे भी न लेती चलोगी? फिरोजा ने घूमकर एक बार स्थिर दृष्टि से ईरावती की ओर देखा और कहा, तो फिर चलो। दोनों हाथ पकड़े सीढ़ी से उतर गईं। बहुत दिनों तक विदेश में इधर उधर भटकने पर बलराज जब से लौट आया है तब से चंद्रभागा तट के जाटों में एक नई लहर आ गई है। बलराज ने अपने सजातीय लोगों को पराधीनता से मुक्त होने का संदेश सुनाकर उन्हें सुल्तान सरकार का आबाध्य बना दिया है। उद्दंड जाटों को अपने वश में रखना, उन पर सदा फौजी शासन करना सुल्तान के कर्मचारियों के लिए भी बड़ा कठिन हो रहा था। इधर फिरोजा को आते ही अहमद अपनी कोमल वृत्तियों को भी खो बैठा। एक ओर उसके पास मसूद के रोष के समाचार आते थे, दूसरी ओर वे जाटों की हलचल से खजाना भी नहीं भेज सकता था। वे झुंझला गया। दिखावे में तो अहमद ने जाटों को एक बार ही नष्ट करने का निश्चय कर लिया और अपनी दृढ़ सेना के साथ वे जाटों को घेरे में डालते हुए बढ़ने लगा, किंतु उसके हृदय में एक दूसरी ही बात थी। उसे मालूम हो गया था कि गजनी की सेना तिलक के साथ आ रही है उसकी कल्पना का साम्राज्य छिन भिन कर देने के लिए। उसने अंतिम प्रयत्न करने का निश्चय किया। अंतरंग साथियों की सम्मति हुई, यदि विद्रोही जाटों को इस समय मिला लिया जाए तो गजनी से पंजाब आज ही अलग हो सकता है। इस चढ़ाई में दोनों मतलब थे। घने जंगल का आरंभ था, वृक्षों के हरे अंचल की छाया में थकी हुई दो युवतियां उनकी जड़ों पर सिर धरे हुए लेटी थी। पथरीले टीलों पर पड़ती हुई घोड़ों की टापों के शब्द ने उन्हें चौंका दिया। वे अभी उठकर बैठ भी नहीं पाई थी,
कि उनके सामने अश्वारोहियों का एक झुंड आ गया। भयानक भालों की नोक सीधे किए हुए स्वास्थ्य के तरुण तेज से उद्दीप्त जाट युवकों का वह वीर दल था। स्त्रियों को देखते ही उनके सरदार ने कहा, माँ माँ तुम लोग कहाँ जाओगी? अब फिरोजा और ईरावती सामने खड़ी हो गई। सरदार ने घोड़े पर से उतरते हुए पूछा, फिरोजा ये तुम हो बहन? हाँ भाई बलराज, मैं हूँ और यह ईरावती। पूरी बात जैसे ना सुनते हुए बलराज ने कहा, फिरोजा अहमद से युद्ध होगा। इस जंगल को पार कर लेने पर तुर्क सेना जाटों का नाश कर देगी, इसलिए यहीं उन्हें रोकना होगा। तुम लोग इस समय कहाँ जाओगी? जहाँ कहो बलराज, अहमद की छाया से तो मुझे भी बचना है, फिरोजा ने अधीर होकर कहा। डरो मत फिरोजा, यह हिंदुस्तान है और यह हम हिंदुओं का धर्म युद्ध है, गुलाम बनने का भय नहीं। बलराज अभी यह कह ही रहा था कि मैं चौंक कर पीछे देखता हुआ बोल उठा, अच्छा वे लोग आ ही गए, समय नहीं है। बलराज दूसरे ही क्षण में अपने घोड़े की पीठ पर था। अहमद की सेना सामने आ गई। बलराज को देखते ही उसने चिल्लाकर कहा, बलराज यह तुम ही हो? हाँ अहमद, तो हम लोग दोस्त भी बन सकते हैं, अभी समय है। कहते कहते सहसा उसकी दृष्टि फिरोजा और ईरावती पर पड़ी। उसने समस्त व्यवस्था भूलकर तुरंत ललकारा, पकड़ लो इन औरतों को। उसी समय बलराज का भाला हिल उठा। युद्ध आरंभ था। जाटों की विजय के साथ युद्ध का अंत होने ही वाला था कि नया परिवर्तन हुआ। दूसरी ओर से तुर्क सेना जाटों की पीठ पर थी। घायल बलराज का भीषण भाला अहमद की छाती में पार हो रहा था। निराश जाटों की रण प्रतिज्ञा अपनी पूर्ति कर रही थी। मरते हुए अहमद ने देखा कि गजनी की सेना के साथ तिलक सामने खड़े थे। सबके अस्त्र तो रुक गए, परंतु अहमद के प्राण न रुके। फिरोजा उसके शव पर झुकी हुई रो रही थी और ईरावती मूर्छित हो रहे बलराज का सिर अपनी गोद में लिए थी। तिलक ने विस्मित होकर ये दृश्य देखा। बलराज ने जल का संकेत किया। ईरावती के हाथों में तिलक ने जल का पात्र दिया। जल पीते ही बलराज ने आंखें खोलकर कहा, ईरावती अब मैं ना मरूंगा? तिलक ने आश्चर्य से पूछा। ईरावती? फिरोजा ने रोते हुए कहा। हाँ राजा साहब, ईरावती, मेरी दुखिया ईरावती, मुझे क्षमा कर, मैं तुझे भूल गया था, तिलक ने विनित शब्दों में कहा। भाई, ईरावती कुछ ना कह सकी, उसका गला भर आया था। उसने तिलक के पैर पकड़ लिए। बलराज जाटों का सरदार है ईरावती रानी। चनाब का वे प्रांत ईरावती की करुणा से हरा भरा हो रहा है। फिरोजा, किंतु फिरोजा की प्रसन्नता की वहीं समाधि बन गई और वहीं वह झाड़ू देती, फूल चढ़ाती और दीप जलाती रही। उस समाधि की वह आजीवन दासी बनी रही। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।